नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जानिब से पेश है छठी जमात की उर्दू की मुआविन दर्शी किताब उर्दू गुलदस्ता में शामिल लोक कहानियां। इस प्रोग्राम में पेश खिदमत है लोक कहानी परी का वरदान। बहुत जमाना गुजरा, दूर जंगल में एक लकड़हारा और उसकी बीवी रहा करते थे। उनका एक छोटा सा झोपड़ा था। लकड़हारा बहुत मेहनती था। अपनी मेहनत से वो लोग अपना घर चलाते थे। उनके पड़ोसी बहुत अमीर थे और ऐश की जिंदगी गुजारते थे। लेकिन लकड़हारा और उसकी बीवी को अपनी गुजर करने के लिए दिन रात काम करना पड़ता था। एक दिन लकड़हारा आग के सामने बैठा हुआ अपने हाथ सेक रहा था। उसकी बीवी मोजे बुन रही थी। दोनों अपनी किस्मत का तस्करा कर रहे थे। हाँ। देखो जरा ये क्या है। किस्मत की बात है। लकड़हारे की बीवी अमीर बनना चाहती थी। उसने कहा, अगर मेरे पास वो सब कुछ होता जो मैं चाहती हूँ तो सब पड़ोसियों की तरह अच्छी जिंदगी गुजारती। हाँ ये तो है। उसके शौहर ने कहा, अच्छा होता कि हम परियों के देश में होते। एक परी हमें मिलती, हम उससे अपनी बहुत सी ख्वाहिशात का तज़किरा करते और वो हमें सब कुछ दे देती। बीवी बोली, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हमें परी मिल जाए। लकड़हारे की बीवी के मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि एक खूबसूरत परी सामने आकर खड़ी हो गई। तुम मुझे याद कर रही थी। मैं हाजिर हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं वादा करती हूँ कि तुम तीन मर्तबा जो ख्वाहिश भी करोगी वो ख्वाहिश पूरी की जाएगी। ये कहकर वो परी गायब हो गई। अरे लकड़हारा और उसकी बीवी हैरान थे। जो बात मजाक में कह रहे थे वो सब सच हो गया। अब उनके सामने ये सवाल कि वो क्या ख्वाहिश करें। बीवी बोली, अगर तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो तो मैं सोच कर बताऊं कि क्या मांगा जाए। लेकिन हकीकत ये है कि दौलत से बेहतर
कोई चीज नहीं कि ये दौलत इंसान को बड़ा बना देती है। ऊंची सोसाइटी में शामिल होने के लिए रुपया बहुत जरूरी है। वाह, ये भी कोई बात हुई। तुम अमीर हो भी गई तो बीमार हो सकती हो, नौजवानी में मर सकती हो। डाकू तुम्हारी दौलत चुरा सकते हैं, इसलिए अक्लमंदी इसमें है कि हम सेहतो सलामती और लंबी उम्र की ख्वाहिश करें। अगर हम गरीब हैं तो लंबी उम्र का क्या होगा, क्या मैं पूछ सकती हूँ? क्या? हमेशा मुसीबत में गिरफ्तार रहेंगे। परी ने हमारे साथ ज्यादती की, मुझसे तो वो एक दर्जन ख्वाहिश पूरा करने का वादा करती तो कुछ बात बनती। मुझे तो बहुत सी चीजों की जरूरत है। ठीक है, हम कल तक सोच लें और तय कर लें। जल्द आग जलाओ। बीवी ने लकड़ियां ली और आग जलानी शुरू कर दी। आग बहुत तेज जल रही थी। गैर शऊरी तौर पर उसकी जबान से निकला, क्या अच्छा होता कि रात के खाने में कबाब होते। उसकी जुबान से ये बात निकली ही थी कि कबाब सामने आ गए। लकड़हारे ने जब ये देखा तो सर पकड़कर बैठ गया। ओ, चटोरी औरत, तुम्हारे चटोरपन ने ये दिन दिखाया। तुमने एक ख्वाहिश का गला घोंट दिया। अब सिर्फ दो बाकी हैं। मेरा जी तो ये चाहता है कि ये सब कबाब तुम्हारे ऊपर फेंक दे। जैसे ही उसकी जुबान से ये अल्फाज निकले, कबाब लकड़हारे की बीवी के सर पर चिपक गए। हो गया। ये देखकर दोनों परेशान हो गए। हटाओ, इन्हें निकालो। दोनों एक दूसरे पर गुस्सा करने लगे। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। प्यारी बीवी, मैंने जो कुछ कहा, मैं कसम खाकर कहता हूँ, बगैर सोचे समझे कहा। मैं इतना गुस्से में था कि तुमने एक ख्वाहिश को जाया कर दिया। अब क्या करूं? मैं कुछ नहीं जानती, अपने आप को खत्म कर लूंगी। अरे, अब भी एक ख्वाहिश बाकी है। या तो उस ख्वाहिश को मुझे कहने दो, वरना मैं खिड़की से कूदकर मर जाऊंगी। नहीं नहीं, वो जैसे ही खिड़की के सामने दौड़ी, लकड़हारे ने उसे पकड़ लिया। वो उसे बहुत मोहब्बत करता था। रुक जाओ, तुम जो चाहो मांग लो, मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, मैं चाहती हूँ ये कबाब मेरे सर से अलग हो जाएं। ये कहते ही कबाब जमीन पर गिर पड़े।
परी ने हमें बेवकूफ बनाया और उसने ठीक ही किया। अगर हम अमीर हो जाते तो ज्यादा परेशान होते। सच ये है कि जिंदगी में जो कुछ है उस पर कनात कर ले। अच्छा चलो यही खा लो, क्योंकि अब हमारे पास कुछ खाने को नहीं। उन्होंने कबाब खा लिए और सोचा कि जो कुछ उनकी किस्मत में है वही उनका अपना है। परी का वरदान। अभी आप सुन रहे थे इल्लोक कहानी। एकेडमिक गाइडेंस डॉ. मोहम्मद नुमान खान, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉ. चमन आरा, असिस्टेंट अब्दुल हक कमाल, फनकार मंजू मैनी, राम मैनी और सादिया रहमान, प्रोडक्शन हेड प्रभुदयाल खट्टर, एडिटर बटिलेंग लिंगदो और अमिता भट्टी, रिकॉर्डिस्ट दीपक पांडे, टेक्निकल कंट्रोल सतीश लाड़े, असिस्टेंस इन प्रोडक्शन दाऊदयाल चतुर्वेदी और प्रोड्यूसर रमेश रानी शर्मा।